नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आईटेल A49 के अंदर में एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड, एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा फ्रेंड, जो कि अगर आप इस फीचर को आप यूज करते हैं फ्रेंड्स, आपके घर में बच्चे हैं तो आपका घर में ये बच्चे हैं, आपका फ़ोन ज़्यादा यूज करते हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है उस आप या फिर गेम यूज कर रहा है, तो उसको आप किस तरह आप टाइम सेट कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मैं दूंगा फ्रेंड। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, मैं भी कैलकुलेटर में यहाँ पे जो कि इसको टाइम लॉक कर दिया हूँ। यहाँ पे देखें, मैं जब भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे देखें मेरा ऐप है जो कि यहाँ पे फ्यूज हुआ हुआ है। इसको कैसे आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर मेरा बंद हो रहा है, मैं कैलकुलेटर में 5 मिनट का टाइम लगा दिया हूँ कि 5 मिनट से आप ज़्यादा कैलकुलेटर को ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा सेटिंग आप यूट्यूब में भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, व्हाट्सअप में कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन को भी आप ऐसा टाइमिंग सेट कर सकते हैं, या फिर कोई गेम आपके फ़ोन में है तो उस गेम को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि आईटेल A49 के अंदर में फ्रेंड्स, जो कि मेरे को ये फीचर जो कि डैशबोर्ड का ये फीचर है फ्रेंड्स, जो कि आपको यह सेटिंग मिल जाएगा डैशबोर्ड में, तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं तो उसको किस तरह आप बंद कर दे सकते हैं, उसको आप यूट्यूब को बंद कर 5 मिनट टाइम लगा कर दे सकते हैं या 1 घंटा टाइम लगा कर दे सकते हैं, और आपका बच्चा है जो कि 1 घंटा से ज़्यादा यूट्यूब वो देख नहीं पाएगा फ्रेंड। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ध्यान से देखें, बहुत ही आसानी से आप इस वीडियो को देख लेंगे फ्रेंड, तो आप कस्टमाइज आप कर सकते हैं कि आपके बच्चे को किस तरह आप कौन सा एप्लीकेशन को कितना देर टाइमिंग सेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेटिंग में आना होगा फ्रेंड। तो देखिए मैं यहाँ पे सेटिंग में आ जाता हूँ, सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे डिजिटल बिलिंग है, पेरेंटल कंट्रोल है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर को यहाँ पे सेट किया था फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर मेरा यहाँ पे सिलेक्ट होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेटर में 5 मिनट का टाइम लगाया हूँ, लेकिन आप चाहते हैं इसमें और भी टाइम सेट करना, जैसे कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे कि आपके घर में अगर बच्चे लोग हैं तो ज़्यादा यूट्यूब चेक करता है, ज़्यादा यूट्यूब छेड़छाड़ करता है, तो देखिए मैं यूट्यूब पर चला जाता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा फिर यहाँ पे मैं इसमें सेट कर सकता हूँ, यानी कि देखिए मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ मेरे घर में अगर बच्चा है तो यूट्यूब को ज़्यादातर यहाँ 4 घंटा से ज़्यादा नहीं यूज करे, 4 घंटा 30 मिनट, तो इसको आप ओके कर दें। यहाँ पे ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए मेरा है जो कि यहाँ पे यूट्यूब है कि टाइमिंग अब सेट हो गया, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे लोग हैं जो व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो व्हाट्सअप को भी यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप का मैं 1 घंटा से ज़्यादा यूज ना करें, तो यहाँ पे देखिए मैं 1 घंटा यहाँ पे पूरे मैं इसको 1 घंटा कर देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूरे 1 घंटा कर दें फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे मैं 2 घंटा कर दिया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं इसको 1 घंटा पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यानी कि व्हाट्सअप पर मेरा है कि 1 घंटा से ज़्यादा नहीं यूज कर पाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस तरह मैं कर दिया फिर। तो इस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से टाइम सेट कर सकते हैं कि उस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देर आपके बच्चे ना चलाएं। अगर मान के चले यहाँ पे आपने सब सेट कर दिया, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सभी एप्लीकेशन को सेट कर दिया हूँ, तब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, बैक आऊँगा तो फ्रेंड्स जैसे जैसे कि यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में मैं किया था, तो देखिए मेरा कैलकुलेटर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो इसी तरह जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑटोमेटिक है जो आपके यूट्यूब है जो कि वर्क नहीं करेगा फ्रेंड। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मान को इसको डिसेबल करना है, तो इसको डिसेबल करने के लिए फ्रेंड्स फिर से आप सेटिंग में आ जाए, देखिए मैं यहाँ पे सेटिंग में आकर यहाँ पे डिजिटल बिलिंग पे आ जाता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करें, यानी कि मैं यहाँ पे 3 एप्लीकेशन को मैं किया था, तो यहाँ पे आपको डिलीट करना है, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिलीट टाइम है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स डिलीट टाइम हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह आपने डैशबोर्ड को सेटिंग को यूज करके बहुत ही आसानी से आईटेल A49 के अंदर में सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स मेरे को ये सेटिंग है फ्रेंड्स जो कि बिल्कुल ही यूजफुल लगा। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर एंड्रॉइड से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।